अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आप सब लोग अपनी काउंटडाउन बुक 5 खोल लीजिए। आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे, फाइंडिंग लोएस्ट कॉमन मल्टीपल LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड। सबसे पहले हम देखते हैं कि LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होते हैं और इनको किस तरह से किया जाता है। टू फाइंड द LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, वी शुड फर्स्ट फाइंड आउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर। सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स निकाल लेंगे। मिसाल के तौर पे हमारे पास इक्वेशन है 12, 18, 36 एंड 72। अब हमें इसके फैक्टर्स निकालने हैं, तो सबसे पहले 12 के निकालेंगे प्राइम नंबर के थ्रू, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 द 12, 2 3 द 6, 3 1 द 3। अब हमारे पास ऐसे फैक्टर्स क्या निकले, 2 2 3, ये हमारे पास इसके फैक्टर आ गए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 3। फिर हमने 18 के निकाले, 2 से डिवाइड किया, 2 9 द 18, 3 3 द 9, 3 1 द 3। 18 के आ गए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। फिर हम निकालेंगे 36 के फैक्टर्स, 2 18 द 36, 2 9 द 18, 3 3 द 9, 3 1 द 3। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इसके बाद 72 के फैक्टर्स निकालते हैं, 2 36 द 72, 2 18 द 36, 2 9 द 18, 3 3 द 9, 3 1 द 3। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब हम इनमें सिमिलर को निकाल देंगे, ये फैक्टर सेम है, इसको एक दफ़ा निकालेंगे, ये फैक्टर सेम है इसको एक दफ़ा निकालेंगे, ये सेम है इसको एक दफ़ा निकालेंगे, ये सेम है इसको एक दफ़ा निकालेंगे, ये सिंगल है इसको एक दफ़ा लिखेंगे। तो ये हमारे पास LCM जो निकला, इनको मल्टीप्लाई करने से 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 72। तो इस तरह ये तरीका है हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन का, इससे हम LCM मालूम कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में क्या होता है, हम डिवाइड करेंगे, सबसे पहले स्टेप 1, राइट द गिवन नंबर्स हॉरिजॉन्टली सेपरेटिंग देम विद कॉमा। पहले हम सब नंबर्स को कॉमा से सेपरेट करके लिखेंगे, डिवाइड देम बाय अ प्राइम नंबर, और फिर उसको डिवाइड करेंगे प्राइम नंबर से, जिस तरह ये 2 से किया हमने, 2 21 द 49, 2 9 द 18, 2 6 द 12, 2 9 द, अब 9 पे 2 का स्टेप नहीं जाता तो 9 को एज इट इज़ लिखेंगे, फिर 21 पे नहीं जाता इसको एज इट इज़ लिखेंगे, 9 पे नहीं जाता इसको एज इट इज़ लिखेंगे, 2 3 द 6 और 9 को एज इट इज़, फिर 3 से करेंगे, 3 7 द 21, 3 3 द 9, 3 1 द 3, 3 3 द 9, फिर इसको 3 से करेंगे, 7 को एज इट इज़, 3 1 द 3, 1 को 1, 3 1 द 3, फिर 7 से करेंगे, 7 1 द 7, और बाकी सब इसी एज इट इज़ उतार देंगे। अब ये हमारे पास जो इसके फैक्टर्स आए उनको हम यहाँ लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 7, तो ये हमारे पास आ गया 252। तो इस तरह हम डिवीजन मेथड के ज़रिए जब हम फैक्टर्स निकालेंगे तो हमारा रिज़ल्ट आएगा 252। तो अब हम देख सकते हैं कि इस तरह से हमने इसको इसका रिज़ल्ट निकाला। बाद हमारे पास हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2B को। सबसे पहले HCF ऑफ 7 एंड 11 इज 1। तो HCF माने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है जो कि 1 है। उसके बाद LCM ऑलवेज ग्रेटर देन HCF। HCF स्टैंड फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। द LCM ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ द नंबर्स एंड द LCM ऑफ 2 the LCM of 9 and 24 is 72. इसके बाद है ट्रू फॉल्स। द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 125 आर 5 5 एंड 5 ट्रू। द प्रोडक्ट ऑफ HCF
and LCM of any two numbers is equal to the product of those numbers. True. The HCF of 15 and 35 is 35. False. The LCM of 17 and 19 is 19 multiply 19. True. LCM stand for largest common multiple. False. अब हम select the correct answer from the given option. The prime factors of 195 are 3, 5 and 13. HCF of 75 and 45 is 15. LCM of 3, 5 and 7 is 105. And LCM of two prime numbers is product of the number. And HCF of 29, 49 and 70 is 7. यहाँ पर ये हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ऑनलाइन मंडे टू थर्सडे अपने टीचर से दिए हुए टाइम टेबल के मुताबिक पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।